पेज नंबर 66 66 प्रमाण व्युत्पत्ति अधिकारः। अब प्रमाण शब्द जो बना है वह कैसे बना उसके विषय में चार सूत्रों के माध्यम से आचार्य का चर्चा करते हैं। सकल वस्तु ग्राहकम प्रमाणम, सकल वस्तु ग्राहकम प्रमाणम प्रमीयते परिच्छिद्यते वस्तुतत्त्वम् एन ज्ञानेन तत्प्रमाणम्। सकल वस्तु ग्राहकम् प्रमाणम् प्रमीयते परिच्छिद्यते वस्तुतत्त्वम् एन ज्ञानेन तत्प्रमाणम्। सकल वस्तु ग्राहिकम प्रमाणम्, सकल वस्तु को ग्रहण करने वाला ज्ञान प्रमाण है। जो सबको एक साथ ग्रहण कर लेता है उसका नाम प्रमाण है। जिस ज्ञान के द्वारा वस्तु स्वरूप जाना जाता है, निश्चित किया जाता है, निश्चय किया जाता है, उसका नाम प्रमाण है। वह ज्ञान ही प्रमाण है जिसके द्वारा वस्तु तत्व को प्रमीयते जानता है, परिच्छिद्यते निर्णय करता है, उसके ज्ञान का उस ज्ञान का नाम ही प्रमाण है। तो जो ज्ञान वस्तु तत्व का निर्णय कराता है, जो सकल ग्राहिकम है, सब कुछ एक साथ जान सकता है या सबको एक साथ ग्रहण करता है, उसका नाम प्रमाण है। तद्वेधा सकल सविकल्प इतर भेदा, सविकल्प इतर भेदा। वह दो प्रकार का है, सविकल्प और निर्विकल्प। ध्यान से, ये पहले कभी नहीं पढ़ा, ये नया विषय आ रहा है, तत्पाण सूत्र का विषय नहीं है। प्रमाण को दो प्रकार का कहा, प्रत्यक्ष इतर भेदात। यहाँ पर दो अलग भेदों की चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सविकल्प है और निर्विकल्प है। कैसा है तो बता रहे हैं, सविकल्पम मानसम तच्चतुर्विधम मतिशुतावधी मन पर्याय रूपम। बिल्कुल, देखो कितना अच्छा बना दिया, एक नया तरीका। जो मन के साथ, मनस विचार के साथ होता है वो सविकल्पम। तो कौन कौन होता है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान। यह कैसा है? यह मानस विचार इच्छाओं से होता है, इच्छाओं के साथ होता है, इच्छाओं से सहत होता है, इच्छाओं से युक्त होता है। इसलिए इसे क्या कह दिया? सविकल्पम। ठीक है, आगे चलते हैं। निर्विकल्पम मनोरहितम केवल ज्ञानम। बिल्कुल सरल, मनोरहितम निर्विकल्पम, जो मन से रहते हैं, विचार और इच्छाओं से रहते हैं, वह निर्विकल्प है, वही केवल ज्ञान है। ठीक हुआ? देखो फिर से, सकल वस्तु को ग्रहण करने वाला जो है वह प्रमाण है। जिस ज्ञान के द्वारा वस्तु को जाना जाता है, निर्णय किया जाता है, उसका नाम प्रमाण है। वास्तविकता में वह ज्ञान ही प्रमाण है। ठीक हुआ? पेज नंबर 66 रिवीजन करते हैं। सकल वस्तु को जो ग्रहण करने वाला है वह जिस ज्ञान के द्वारा वस्तु का जाना जाए,
वस्तु का निर्णय किया जाए, वस्तु को ग्रहण किया जाए, उस ज्ञान का नाम प्रमाण है। वह प्रमाण दो प्रकार का है, एक सविकल्प और एक निर्विकल्प। सविकल्प चार प्रकार का है। सविकल्प की परिभाषा क्या बनाई? सविकल्पम मानसम, सविकल्पम मानसम, निर्विकल्पम मनोरहितम। जो मन से युक्त है वो सविकल्प है, वह तत्चतुर्विधम, वह चार प्रकार का है, मति श्रुत अवधि मनःपर्यय। और निर्विकल्पम मनोरहितम, निर्विकल्प जो ज्ञान है वह मन से रहित है, वह केवल ज्ञान है। ठीक हुआ। इति पर्याय इति प्रमाण व्युत्पत्ति अधिकारः, इस प्रकार यह प्रमाण व्युत्पत्ति नाम का अधिकार पूरा हुआ।